आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ ने पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही 6 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग भी की है। ज्ञापन के माध्यम से आजाद अध्यापक संघ ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 जनवरी 2005 से नियुक्त प्रदेश के सभी कर्मचारियों अधिकारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर नई पेंशन स्कीम NSP को लागू किया गया। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन भत्ता, 12 वर्ष सेवा अवधि वाले अध्यापकों को क्रमोन्नति मिले जैसी मांग शामिल है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। परंतु भारत भर के ये कहना है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जितने लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो लोगों के दिल में क्या है, वो कितना कदम चलना चाहते हैं। हम लोगों ने आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश माननीय हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय श्री भरत पटेल जी के आह्वान पर आज खरगोन जिले में हमारी अध्यापक संवर्ग की सबसे प्रमुख मांग पेंशन के संबंध में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का आयोजन किया है। क्या मांगे क्या है आपकी? हम लोगों को NPS नाम से एक कंपनी को हमारी जो 10% कटौती का पैसा कंपनी को दिया जा रहा है, जो जिसका किसी भी प्रकार से कोई हम लोगों को फ़ायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें भी पूर्व की भांति शिक्षकों को जो पेंशन पुरानी दी जाती है उसी प्रकार से हमें भी दी जाए। अगर आपकी कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तो आगामी कार्रवाई क्या होगी आपकी? हमारे प्रांताध्यक्ष के निर्देशानुसार दशहरे पश्चात हम लोग भोपाल स्तर पर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या में ऐसे कौन से शिक्षक है जो इस चीज़ से वंचित हो रहा है? अध्यापक संवर्ग 2005 के बाद नियमित कर्मचारियों के अलावा सभी को पेंशन बंद की गई है। क्या नाम है आपका? दिनेश ठाकुर, संभागीय अध्यक्ष, इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।